हाय गाइस, आज मैं कस्टमर के घर में वाटर डिस्पेंसर चेक करने आया हूँ। वहाँ इनकी वाटर डिस्पेंसर की टूटी टूट गई थी, तो वहाँ से टूटी नहीं मिली। तो कस्टमर ने बोला, यार आप कहीं से भी इसका जुगाड़ लगा के इसकी टूटी हमें चला के दो। तो आपके भाई ने फिर इस तरह का जुगाड़ लगाया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने पानी वाला पैप लगाया है और दूसरी साइड पर मैंने थोड़ा सा सुराख मार के और इसके ऊपर टूटी फिट कर दी है। तो फिट करने के बाद यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पैप पंच हो रहा था और आपके भाई ने यहाँ पर भी जुगाड़ लगाया। कैसे? मोटरसाइकिल वाली शॉप से मैंने एक स्प्रिंग लिया। ये स्प्रिंग पैप के अंदर डालेंगे। स्प्रिंग की वजह से पैप हमारा पंच नहीं होगा। अच्छी तरह हम स्प्रिंग को पैप के अंदर डाल देते हैं, कहीं से ये पैप लूज ना हो, कहीं से पंच ना हो जाए। तो हमने अच्छी तरह, ये देख सकते हैं, ये स्प्रिंग अंदर चला गया पैप के अंदर। थोड़ा सा हम बाहर स्प्रिंग को रहने देते हैं ताकि वो टूटी के अंदर जाएगा, टूटी के अंदर से भी पैप पंच नहीं होगा। हम ये स्प्रिंग को टूटी के अंदर डाल दिया और पैप को भी यहाँ लगा दिया है। अब इसके ऊपर क्लंप लगाएंगे, क्लंप लगा के फिर आपको चला के भी इसे चेक करवाएंगे किस तरह ये चल रहा है और पैप भी पंच नहीं होता। अब जल्दी से हम इसे बंद कर लेते हैं, मुकम्मल डिस्पेंसर को बंद करके फिर आपको दिखाते हैं हमने जुगाड़ किस तरह लगाया है। ये देख सकते हैं गाइस, इसकी टूटी का ऑप्शन ऊपर बना था, हमने वहाँ से टूटी इसकी निकाल के यहाँ टापे में टूटी फिट कर दी है। और कैसा लगा हमारा जुगाड़ गाइस? अगर हमारा जुगाड़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया गाइस।